हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सीएसआईआर नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का पार्ट फोर है। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है थ्री पार्ट्स इस टॉपिक के आ चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए हों, ठीक है। और ये टॉपिक मैंने लिया है यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, बाग, सीएसआईआर नेट, गेट, डीबीटी, जेआरएफ और आईसीएमआर, ठीक है। साथ ही साथ एमएससी और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइस, क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर आपको समझ में ना आए देन आप मेरा एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आया है रीसेंट सीएसआईआर नेट 2022 फैब में, ठीक है। सो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जिस हिसाब से हम लोगों ने डिटेल में जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ा उस हिसाब से ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है गाइस, और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क में आपको पूछा गया था, ठीक है। सो आप वीडियो पॉज करके जो है इसको खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, देन मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, गिवन ब्लो आर वेरियस प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड दियर बेसिक यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है प्लांट के प्रोडक्ट्स और उनके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। जो लिस्ट 1 है यहाँ पर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनकी बेसिक यूनिट दी गई है, यानी जिससे वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आपको फिनोलिक्स के बारे में दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में से फिनोलिक्स कौन सा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच, हमें बताना है करेक्ट मैच, ठीक है, ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट एंड द बेसिक यूनिट। तो फिनोलिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था गाइस, कि उसमें क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग विद OH ग्रुप, हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा था फिनोलिक्स का, राइट, कि बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट होती है, राइट, और उस पर एक OH ग्रुप होता है, ठीक है, फिनोलिक्स में। तो फिनोलिक्स का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक स्ट्रक्चर सारे फिनोलिक्स का ऐसे ही होगा। फिर इसमें जो है मॉडिफिकेशन होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसमें ऐड होंगे, देन जो है डिफरेंट टाइप के फिनोलिक्स आपके बनेंगे, ठीक है गाइस। तो हमारा फिनोलिक का आंसर क्या हो गया, फिनोलिक ए का ऑप्शन हमारा हो गया 4th, यानी एरोमेटिक रिंग विद OH ग्रुप, ठीक है। ए का 4th हो गया, ए का 4th होते ही यहाँ पर ए का इन दोनों में 3rd है, तो ये 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा 1st और लास्ट ऑप्शन बचा है, ठीक है। अगर हम बी का पता कर लें तो हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है बी वाला है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स हम लोगों ने पढ़ा था गाइस कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको एल्कलॉइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इनमें थोड़ा सा एल्कली नेचर होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो एल्कलॉइड्स किस में आ जाएंगे गाइस, इसका 3rd में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो बी का 3rd हो गया, तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया, 4th हो गया, ठीक है। तो हम सिर्फ 2 स्टेटमेंट पढ़ के भी आंसर तक पहुँच सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 3rd ऑप्शन है टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स क्या बताया था गाइस, हमने क्या पढ़ा था, ये टर्पिनोइड्स होते हैं 5 कार्बन आइसोप्रीन की यूनिट्स, ठीक है। तो सी का हमारा हो जाएगा 1st, ठीक है, और डी का हो जाएगा साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स। मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या होता है, ग्लूकोज अटैच होता है बाई ओ बीटा डी ग्लाइकोसाइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है। और ये साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स एक छोटा कंपाउंड है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, आंसर 4, ठीक है गाइस। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, और खासकर अगर मैच द फॉलोइंग आए तो उनको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपको 1 या 2 पॉइंट भी आते हैं तो तब भी आप लोग क्या हो सकते हो, आंसर तक इजीली पहुंच सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी सीएसआईआर नेट 2022 फैब में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, डिटर्जेंट्स प्रोटीन्स प्रीडोमिनेंटली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ, ठीक है। तो डिटर्जेंट प्रोटीन्स जो है किसके बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शंस है लिगेंड्स, एल्कलॉइड्स, टर्पिनोइड्स एंड अमीनो एसिड्स। तो हम लोगों ने किसका सही आंसर पढ़ा था गाइस, डिटर्जेंट प्रोटीन्स जो है वो लिगेंड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिगेंड्स के बायोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर 1st हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर 1 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये सीएसआईआर नेट 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसमें से आपको प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ढूंढना है, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हमको पता करना हो कि इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, और हमें नहीं मालूम क्योंकि ये चारों ऑप्शन काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसे कर सकते हो। जैसे प्रोलीन और पायरुवेट हो गया, ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही, प्रोलीन और पायरुवेट तो वैसे ही चले गए। प्रोलीन क्या है, हमारा अमीनो एसिड है, पायरुवेट हमारा जो है हर किसी में बनता है, हमारे हमारे अंदर भी पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो ये तो कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं हुआ, ये तो हमें पता है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। अब अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड में कैरियोनिक एसिड काफ़ी लोगों ने सुना होगा, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये सोप्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो गया, एबिएटिक एसिड हो गया आंसर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर टू हो जाएगा, यानी एबिएटिक एसिड हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो टू सॉल्व द सीएसआई नेट क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सीएसआई नेट 2020 शिफ्ट टू में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, आर्टिमिसिनिन एंड ड्यूरिन बिलोंग टू विच रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ द प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों किस ग्रुप पे बिलोंग करते हैं गाइस, तो अगर आपको याद होगा तो ड्यूरिन हम लोगों ने पढ़ा था, ड्यूरिन के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो ड्यूरिन मैंने किस में बताया था आपको, साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स में बताया था, ठीक है। तो ड्यूरिन यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिवली बताना है टू ग्रुप, तो यानी आर्टिमिसिनिन फर्स्ट वाला होगा और ड्यूरिन सेकेंड होगा। तो यानी ड्यूरिन हमारा टर्पिन्स नहीं था, ड्यूरिन हमारा एल्कलॉइड्स नहीं था, ड्यूरिन हमारा फ्लेवोनॉइड्स नहीं था, ड्यूरिन क्या था हमारा साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स था, ठीक है। और आर्टिमिसिनिन क्या हो जाएगा, टर्पिन्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टर्पिन्स एंड साइनोजन ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। चलो तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है, ये इजी वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फोर हो जाएगा, ओके गाइस। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सीएसआई नेट 2018 जून में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम दैट इज बाउंड बाय अ सल्फर टू अ ग्लाइसिन ग्रुप एंड बाय अ नाइट्रोजन टू अ सल्फोनेट ऑक्सीन ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि जो ग्लाइसिन ग्रुप जिस ग्रुप में भी सल्फर प्रेजेंट हो, यानी थायो ग्रुप, सल्फर का मतलब आप सीधे समझ लो थायो ग्रुप, थायो ग्रुप हमने किस में पढ़ा था गाइस, थायो ग्रुप हमने कहाँ पढ़ा था, ग्लूकोसिनोलेट्स में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोसिनोलेट्स, जो हमने डिफरेंट क्लास पढ़ी थी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो क्या होगा, ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है। क्योंकि एल्कलॉइड्स में हमारा सिर्फ नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, फिनोलिक्स में हमारा फिनॉल ग्रुप होता है, टर्पिन्स में हमारा 5 कार्बन यूनिट होता है, तो ये तीनों तो होगा नहीं। तो हमारा जो थायो ग्रुप जो सल्फर ग्रुप होता है वो किस में होता है, ग्लूकोसिनोलेट्स में। तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो आंसर आ जाएगा वो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन सीएसआई नेट 2017 जून में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले आपको चेक करना है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये चेक करना है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है या इनकरेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट कम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो अब आपको करेक्ट पे ही ध्यान देना है, इनकरेक्ट को आपको हटा देना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर कंस्टिट्यूटली प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ, ठीक है। तो जितने भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है कंस्टिट्यूटली यानी लगातार जो है प्रोड्यूस करते हैं, और जितनी सेल्स होती है प्लांट की उतना प्रोड्यूस करते हैं एंटायर ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है हर सेल जो है प्लांट का प्रोड्यूस नहीं करता है, सबसे पहली बात है, और सारे प्लांट्स के लिए कंपलसरी नहीं होता है। नेचर में आपको पता है हमारे नेचर में हर चीज़ को हम नहीं बोल सकते कि ये कंपलसरी है, ये होता ही होता है, ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते, कई सारे एक्सेप्शंस हमें हर कहीं दिखते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक तो पर्टिकुलर लाइफ में अपने पर्टिकुलर फेज ऑफ द लाइफ में जो है प्लांट पहले तो प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द प्लांट, और कुछ ही जो है उनके पार्ट जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्लांट के लिए क्या है, नेसेसरी कंपाउंड नहीं है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इट्स लाइक अ उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब विदाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, इसीलिए ये नेसेसरी कंपाउंड नहीं है। लेकिन ये इसको प्रोड्यूस क्यों करता है, ताकि एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो गेन कर सके प्लांट, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स पढ़े थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्योंकि एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हमेशा क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हमारे बायोलॉजी में रॉन्ग होते हैं, तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
चलो, अगर यहाँ पे कैन मे बी इस टाइप के वर्ड यूज किए होते तो ये स्टेटमेंट क्या हो सकता था, राइट हो सकता था. ठीक है गाइज, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. ऑप्शन बी में दे सर्व्स एज सिग्नल टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव एडवर्स कंडीशन. ये जो है सिग्नल देते हैं प्लांट को ताकि वो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके. बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था. ठीक है, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, प्लांट को एडवर्स कंडीशन में भी क्या करते हैं, सर्वाइवल का ऑप्शन देते हैं, है ना, प्लांट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट गेन करते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन है. दे मे बी, अच्छा हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत होते ही, ए रॉन्ग होते ही हमारे जो है वो तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली राइट आंसर तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, अगर हम ए स्टेटमेंट ढूंढ लें कि ए रॉन्ग है तो हम ऑटोमेटिकली राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो हमें बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर द कन्फर्मेशन हमें पढ़ना चाहिए. ठीक है, चलो सी स्टेटमेंट है, दे मे बी अ वॉलेटाइल कंपाउंड. ये क्या हो सकते हैं, वॉलेटाइल कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे एल्कोहल्स हो गए. ठीक है, और आपके जो अल्कोहल कंटेनिंग होते हैं, अल्कोहल कंटेनिंग जिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में अल्कोहल प्रेजेंट होगा या जिसमें क्या होगा अमोनिया प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड क्या होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, तो बिल्कुल वोलेटाइल भी होते हैं ये. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं, दे कंट्रीब्यूट टू फ्लावर कलर. ठीक है, फ्लावर कलर में भी हमने पढ़ा था फ्लेवोनॉइड्स को, फ्लेवोनॉइड्स के बारे में पढ़ा था हमने, जो कि क्या है, फिनोलिक कंपाउंड है, फिनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो ये क्या करता है, फ्लावर को कलर भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हुआ, जो हमें करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट कॉम्बिनेशन मिला, वो है बी सी एंड डी. ठीक है, तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा वो बी सी एंड डी हो जाएगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएसआईएन नेट 2017 जून में. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग आर अ फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टर्पिन्स. टर्पिन्स के स्ट्रक्चर में कुछ स्टेटमेंट हमें दी गई है. मैंने आपको बताया था कि टर्पिन्स के स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लेना, मतलब स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, उनके नेम पता होने चाहिए. ठीक है, कि कितने कार्बन को कितने कितना नाम बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, कितने कार्बन टर्पिन्स को क्या नाम देते हैं, हर नेम से नंबर ऑफ कार्बन एटम पे मैंने क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसे आपको ज़रूर ध्यान रखना है, वो आने वाले एग्जाम में भी आपका पूछा जा सकता है. सो क्वेश्चन क्या है, आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट एंड फार्सेनाइल डाइफॉस्फेट आर मोनोटर्पिन्स एंड सेस्क्विटर्पिन्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट और फार्सेनाइल डाइफॉस्फेट इन जो है मोनोटर्पिन्स और सेस्क्विटर्पिन्स है, बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है. ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं, स्क्वेलिन एंड ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट आर ट्राइटर्पिन्स एंड मोनोटर्पिन्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोटर्पिन्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. ठीक है, और हमें कैसे स्टेटमेंट बताना है गाइस, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ठीक है, तो ए हमारा रॉन्ग हो गया, बी हमारा राइट हो गया. ए रॉन्ग होने से ये वाला स्टेटमेंट गया, ये वाला स्टेटमेंट गया, और बी राइट होने से हमारा ये वाला स्टेटमेंट आ गया, तो ऑटोमेटिकली हम जो है आंसर हमारा सेकंड आ गया, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में जो है बी है ही नहीं. ठीक है, फिर भी हम आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डाइमिथाइल डाइफॉस्फेट हैव 10 एंड 20 कार्बन रिस्पेक्टिवली. बिल्कुल भी नहीं, ये बात भी जो है हमारा फॉल्स हो गया. ठीक है, ये बात भी ट्रू नहीं है. नेक्स्ट है डाइटर्पिन्स हैविंग 20 कार्बन. बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने पढ़ा था डाइटर्पिन्स के पास कितने होते हैं, 20 कार्बन होते हैं, जबकि सेस्क्विटर्पिन्स के पास कितने होते हैं, 15 कार्बन होते हैं. ठीक है, तो डी वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड डी. ठीक है, सो ऐसे आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट चलते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया है सीएसआईएन नेट 2016 दिसंबर में. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट अ पार्ट ऑफ एल्कलॉइड क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है, इसमें से हमें कंपाउंड ढूंढना है जो कि एल्कलॉइड्स की क्लास का नहीं है. ठीक है, एल्कलॉइड्स जो हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लास, उसका पार्ट नहीं है. तो भले ही आपको याद नहीं है कि एल्कलॉइड्स में कितने पार्ट्स हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट देखो कैसे दिए गए हैं. पहला है लिग्निन, सेकेंड है इंडोल, ट्रोपेन एंड पायरोलाइडिन. ठीक है, अब आपको पता होगा मैंने आपको लिग्निन कहाँ पढ़ाया था गाइस, लिग्निन हम लोगों ने पढ़ा था फिनोलिक्स में, फिनोलिक कंपाउंड में. ठीक है, तो अगर लिग्निन फिनोलिक का मेंबर है तो क्या वो सेकेंडरी एल्कलॉइड्स क्लास का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मेंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता. तो लिग्निन हमारा किसका था, फिनोलिक कंपाउंड का था, तो हमें नॉट पूछा गया है, तो क्या होगा, लिग्निन ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है. लिग्निन जैसे हमने फिनोलिक्स कंपाउंड के बारे में जैसे फ्लेवोनॉइड्स पढ़ा था, लिग्निन पढ़ा था, ठीक है, टैनिन पढ़ा था, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था फिनोलिक्स कंपाउंड के बारे में, राइट. तो हमें पता है कि ये लिग्निन क्या है, फिनोलिक कंपाउंड का ही पार्ट है. ठीक है, तो ये एल्कलॉइड क्लास का नहीं है,
तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिनाइल एनालिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोलिक्स इन हायर प्लांट्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे। ठीक है, फिनाइल एनालिन जो कि प्रिकर्सर होता है फिनोलिक्स का। ठीक है, तो फिनोलिक कंपाउंड में गाइस जब मैं आपको फिनोलिक कंपाउंड पढ़ा रही थी तो मैंने आपको पाथवेज के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको दो पाथवे बताए थे फिनोलिक्स में। ठीक है, तो उसमें से मैंने बताया था एक तो शिकमिक एसिड पाथवे बताया था और एक मैलोनिक एसिड पाथवे बताया था। ठीक है, तो शिकमिक एसिड पाथवे मैंने बोला था मोस्ट कॉमन होता है इन प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में ज़्यादातर यही होता है। और जो मैलोनिक एसिड पाथवे होता है वो बैक्टीरिया या फंजाई में होता है। ठीक है, यानी ये प्लांट्स में जो है ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपको स्टेटमेंट में जो है वो शिकमिक एसिड पाथवे भी दिया है, मैलोनिक एसिड पाथवे भी दिया है, लेकिन आपको जो है हायर प्लांट्स में बताना है। ठीक है, तो प्लांट्स में बताना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, शिकमिक एसिड पाथवे हो जाएगा, नॉट अ मैलोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, क्योंकि मैलोनिक एसिड पाथवे मैंने आपको किस में बताया था, ये होता है बैक्टीरिया एंड फंजाइज में। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान देना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा शिकमिक एसिड पाथवे। ठीक है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा था, जिससे कि हमारे जो है फिनॉल्स का सिंथेसिस होता था, फिनोलिक कंपाउंड का। नेक्स्ट है CSIRnet, नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIRnet 2015 दिसंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है गाइस, फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्बिन्स क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट आपको जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ टर्बिन क्लास के दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, सबसे पहला है आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट एंड इट्स आइसोमर कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्जर टर्पिन्स। ठीक है, सो आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट और उसके आइसोमर जो है वो लार्ज टर्पिन्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं यार। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डाई टर्पिन्स है 20 कार्बन कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, डाई टर्पिन्स हमारे क्या होते हैं, 20 कार्बन कंपाउंड है, हम क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, सो ए भी हमारे जो है दो स्टेटमेंट में, एक तो फर्स्ट में है एक तो सेकंड में है, तो इन दोनों में से ही कोई राइट होगा। थर्ड और फोर्थ तो हमारा क्या हो गया, क्योंकि इसमें ए स्टेटमेंट नहीं है, इसमें बी नहीं है, तो ये दोनों वैसे ही जो है वो हट गए। नेक्स्ट अब सी और डी में अगर हमें पता चल जाए तो हम राइट स्टेटमेंट तक पहुँच सकते हैं। सी वाला है और टर्पिन्स आर डिराइव फ्रॉम यूनियन ऑफ फोर कार्बन एलिमेंट। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या फोर कार्बन एलिमेंट पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फाइव कार्बन एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, फाइव कार्बन एलिमेंट से हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फोर कार्बन लिखा है, जो कि स्टेटमेंट को क्या कर देता है, रॉन्ग कर देता है। अगर हमें मालूम है सी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम ऑटोमेटिकली आंसर टू पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सी स्टेटमेंट एक तो फोर्थ में भी है, थर्ड में भी है और फर्स्ट में भी है। तो अगर हमें एक स्टेटमेंट भी इसमें से आता था, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आता होगा, उस स्टेटमेंट को भी देख के हम जो है राइट आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट एकदम ही रॉन्ग है। नेक्स्ट है डी वाला है पायरीथ्रोइड एंड आर मोनोटर्पिन्स एस्टर। ठीक है, पायरीथ्रोइड्स क्या होते हैं गाइस, मोनोटर्पिन्स एस्टर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ऑटोमेटिकली जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा गाइस, वो सेकेंड वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन CSIRnet 2014 दिसंबर में पूछा गया था। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन प्लांट। ठीक है, तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑल टर्पिन्स आर डिराइव फ्रॉम अ सिक्स कार्बन एलिमेंट। अच्छा जी, अभी तो फोर कार्बन में गलत किया था, अभी सिक्स वाला आ गया। ठीक है, तो सिक्स नहीं होगा, कितना होगा, फाइव कार्बन होगा, तो स्टेटमेंट वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, ए स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही गाइस हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये भी आपको चेक करना है, आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स में तो ए स्टेटमेंट होते हैं। अब हमारा ये तो थर्ड स्टेटमेंट सही होगा या फोर्थ स्टेटमेंट सही होगा। अब हम बी वाला पढ़ लेते हैं, एल्कोलाइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोलाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, यानी ये ट्रू है। तो बी हमारा ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली हम थर्ड आंसर पे पहुंच गए, हमारा आंसर जो राइट हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में तो बी ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पायरीथ्रोइड्स आर मोनोटर्पिन एस्टर फाउंड इन द लीव्स एंड फ्लावर ऑफ क्रिसेंथियम स्पीशीज शो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है। ठीक है, फोर्थ है लिमनोनोइड्स आर ग्रुप ऑफ एल्कलोइड्स एंड हैविंग एंटी हर्बिवोरल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये बात जो है वो रॉन्ग है गाइस। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ऑटोमेटिकली जो राइट स्टेटमेंट हो गया वो बी एंड सी हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी एंड सी। ठीक है,
सो गाइज आपको ऐसे ही जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से इसका, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप जो है इस वीडियो के चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, मैं आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है गाइज। तो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाने का। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग ज़रूर जो है चैट कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर देना, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है गाइस। तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।